बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाइयो, उम्मीद करने हैं ठीक ठाक हो। सो जिथे रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। तो तुहाडियां दुआवां नाल असीं भी ठीक ठाक हाँ। शुक्र अल्लाह पाक हर तरह मत करे, हर तंदुरुस्ती देवे, सेहत दे, जिंदगी देवे। तो जिहड़े मेरे भैणां भीरां बीमार ने ना, उन्हां नूं अल्लाह पाक शफा देवे। तो जे इन्हां को कारोबार ने, उन्हां नूं अल्लाह पाक कारोबार देवे। तो जे इन्हां को औलाद ने, उन्हां नूं अल्लाह पाक ना नेक औलाद देवे। तो अल्लाह पाक ना हर दीआं परेशानियां दूर करे। अल्लाह पाक हर दे कार बारे बरकत पावे। तो अल्लाह दे नाल लाइक ना तो वलोग का करने आगाज़ नाले ना सारे भैन भाइयों ना जुम्मा मुबारक होवे। तो अल्लाह पाक ना जुम्मे मुबारक दे सदके ना सारे दे गुनाह माफ़ फरमावे। तो अल्लाह पाक ना साडे गुनाह माफ़ फरमावे। तो अल्लाह पाक हर दे कार बारे बरकत पावे, क्योंकि अल्लाह पाक दे ना इतना वड्डा दिन ने जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक ना हर तरह मत करे। तो अस्त भैन भाइयों दुआई करने तो सुबह सुबह ना पट्ठे डंगर बना आते ना, तो बिल्कुल थोड़े जे ही लभे हैं। तो उस बाद आके तो रोटियां ही पका ली हैं, तो सफाई वगैरह ही कर ली है। तो हूँ बर्तन धो के रख लेने। तो बच्चे दूसरे तीसरे दिन ध्यान दे बंद ने अम्मी साग पका दे। तो साग सिर्फ नहीं पकता पे बालन की वजह का, क्योंकि दूसरा तो असं घर दे थापियां बड़े हैं। तो साग जो मोटा बालन होवे ना तो जल्दी पकता। तो हूँ ना साग तोड़ लिया, तो मैं छेल के ना तो जल्दी उत्तर रखने चाह। तो धुप तो हम बिल्कुल निकलती कोई नहीं पे, कोई बच्चों के कपड़े धोवन वाले हैं। तो मैं तो बाद धो ली सपड़े कर कोई पकता रहा सी ना अजे ती कटिया कोई नहीं। तो मैं पड़े ना साग बालन बना लव, क्योंकि ना किकर सा सुक्का होया। तो इस वास्ते ना बालन की ना काफ़ी मुख्याई बनी खड़ी, क्योंकि अगर थापियाँ सुक जा तो हूँ धुप निकलती नहीं पी। तो इस वास्ते ने मैं चलो ना सुक गया। तो जे सरा तो हूँ तो मुड़ तो ना सपटद भी छां की ना बड़ी लौड़ है डंगर बांध लेंगे असें। तो सो गए इस वास्ते मैं क्यों क्योंकि बालन बन जा बालन की काफ़ी क्या तो मैं पड़े पटनी तो उस बाद कड़ा ना हूँ अबू की तबीयत खराब है इस गलू हूँ अम्मी पटती पई है। तो हूँ कड़ा ना कुछ पट लिया थोड़ा जहा रहा है। छोटे छोटे कड़ा ना पीस बनाए जान गे, क्यों तो बाल कड़ा सौखे जाते। तो हूँ कड़ा मैं इतों मिट्टी कड़ा टोड़ा वो इको जहा करता पा। तो अम्मी कड़ा ने हाली साग पकाना है, इस गलू कड़ा सानू टाणा पै गया। तो छोटे चुगन गए लकड़ियाँ टोक के लिया किकर तन दस पाट के उन्होंने कोई टोक लिया। तो साग मैंने काट लिया छेल के, तो काट के धो के ना टोकरिया ने धो के ना उत्ते रखिया। तो मैं खोल ना कोल रिझदा रस। तो उस बाद मैं ना कोल ना बच्चों के कोई कपड़े पहनो धो ली हाँ। तो घर दी मुड़ना काफ़ी काम ही बन जाता। तो एक जनी मसाया करना पाता है। तो ना सारी टोकरियाँ भी टूटिया बनिया, बर्तन वाली टोकरी टूटी जी अस बर्तन धो के रखना। तो बस मैं मुड़ी मुतरा के आई हाँ। तो उन्होंने कोल रिझद रस हेठ ठाक बाली रख सक कपड़े पहन काफ़ी सारे कोई मैं कद आज धो ली तो जड़के मोटे आने अगले बच्चों के छोटे व्डे मैं कोई और ना थोड़े जे धोने हैं। तो आए ना कोई थोड़े जे धुप निकली आए तो मैं चल कोई सुक जा सो ज़्यादा सर्दी तो बच्चे पा ले सना पहने तो छोटे क्योंकि सात साल लाए हुए ने। तो इस वास्ते मैं कपड़े धो ली धो लैन गए। तो अगर कड़ा तुम दसिया सी ना साग, तो साग असा पका लिया है। तो अम्मी कड़ा ने मददी पई है बिलाल कड़ा ना उन्होंने इतने कर लिया कत्या। तो इन कड़िया अगली अगले सियाले की कोटी आई कड़ी कताई है इन टोपी कता हो तो टोपी सिर तरह आने नहीं देता। तो अम्मी कड़ा ने साग मत दी पई है कपड़े मैं धो लेने। तो कोल ना साडा साग ही पाक गया तो मैं उन्हें माध लिया तो थोड़ा जहा रहा तो मैं चल होर माध लैनी हाँ। तो जो ना साग ना सर्दी के बेच ना माशाल्लाह किन्नी बारी रिन्ने एक होंगी जो साडे रंगा जी फ्रिज नहीं सर्दी से खराब नहीं होंगे। तो ना बालन की वजह तो ना थोड़ा जहा असा बनाया क्योंकि साढ़े को बालन भी खाई है। इस वास्ते तो जहाँ बहन मेरा साग खावना हो क्योंकि जो रोटियां तो मैं नहीं पकाई आटा हूँ गुनना सिर्फ साग साडा पक्का। तो अल्लाह पाक ना हर त रहमत करे तो हर कारोबार बरकत पावे। तो असं भैन भाइयों दुआई करने रिक्वेस्ट ही है भैन भाइयों अगू भी साड़ी वीडियो ने शुरू तो आखिर तक वेखी करो
लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। तो भाई सानू ना तुहाडी सपोर्ट की जरूरत है, अल्लाह पाक ना तुहाडी सपोर्ट ना सानू कामयाब करे से। तो इकबाल तबीयत सही कोई नहीं हुई क्योंकि सर्दी की वजह तो उन्होंने दर्द काफ़ी होंगी, काली दवाई ला आती है। तो अल्लाह पाक करम करे से। तो आज तो लोग तू ना इतने भैन भाइयों को लेने इजाजत। अल्लाह हाफिज।